मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड पीड़ित निवेशकों के लिए न्याय कार्यक्रम के तहत निवेशकों को राहत पहुंचाई है। बुधवार को 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,88,996 रुपए की राशि लौटाई गई। अब तक 81,904 पीड़ित निवेशकों को 37,92,99,656 रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है। आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हार्दिक अभिनंदन, साथ में जुड़े सब मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, हितग्राहीगण, अधिकारीगण, सबके स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके दूरगामी सोच के परिणाम है जिन चीट फंड कंपनी में जतेक निवेशक मन के राशि जमा हुए है और जे वापस मिले के प्रश्न निधि से, लेकिन आपके दूरदर्शिता और उदारता के परिणाम है जिन ये दिशा में आपके आदेश हुई सब विभाग काम करके ये काम अभी राशि वापस कराए जाते। अब तक 2008 अनियमित वित्तीय कंपनी मन के विरुद्ध 462 प्रकरण दर्ज करे गए है और लगभग 700 से अधिक डायरेक्टर पदाधिकारी मन गिरफ्तार किए जा चुके। 400 प्रकरण में चलान माननीय न्यायालय पेश किए जा चुके है। लगभग अब तक सबो कंपनी मिला के 141,51,1,469 रुपया के संपत्ति नीलामी कुर्की के लिए आदेश न्यायालय द्वारा दे जा चुके हैं और अभी तक 55,01,00,000 रुपया सरकार के खाता में जमा हो चुके हैं। संगे संग 35,59,00,000 रुपया करीब करीब निवेशक मतलब वितरित किए जा चुके हैं। आने वाला समय में आपके निर्देश में और तेज गति से हमारे विभाग और अन्य विभाग, राजस्व विभाग, सब विभाग मिलके इला सक्रियता से पूरा करबो इसे उम्मीद है। संगे संग कलेक्टर एसपी मन से आग्रह कि आप मन न्यायालय से जज मन से चर्चा करके और जबका जल्दी न्यायालय से प्रक्रिया रखे पूरा करा के जबका जल्दी ये करवाहू उतना जल्दी निवेशक मन के पैसा वापस होगी। संपत्ति मन जे चिन्हांकित करके एक्शन करे के नीलामी करे के कार्रवाई पूरा करे जा सकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद सर। इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए अनुरोध है। हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर शिवरिया जी माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन से। आज के चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय माननीय मंत्री गृह मंत्री जी और उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और हितग्राहीगण, आदरणीय गिरीश देवांगन जी और सभी सम्मानित उपस्थित साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चिटफंड कंपनी की जो राशि वापस की जा रही है ये पूरे देश में एकमात्र राज्य है जहां चिटफंड कंपनी में निवेशकों को राशि वापस की जा रही है। और माननीय निवेशकों के जो चिटफंड कंपनी में जो निवेश किए थे उनके राशि वापसी का कार्यक्रम, इसमें रायपुर जिले से 13,676 निवेशक के राशि 1,44,37,000 रुपया आज वापस किया गया। बिलासपुर में 16,615 निवेशकों के 84,55,760 रुपया, धमतरी में उसी प्रकार 43, राजनांदगांव में 4,835, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 5, मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर कोरिया के 110 और कोरिया जिले के 94, कुल करीब 35,378 हितग्राहियों के 4,13,88,996 रुपया आज वापस किया गया। जिस प्रकार से मैंने अभी निवेशक भाइयों बहनों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कोई मकान बनाने के लिए, कोई बच्चों के पढ़ाई के लिए, कोई शादी के लिए ये राशि जमा किए थे। राशि कोई रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उसे ही इसमें लगाया था, कोई खेती किसानी खेती को बेचकर इसमें पैसा लगाया था, कोई अपनी जमा पूंजी को इसमें लगाया था कि ज्यादा हमको वापसी मिलेगी।
लेकिन पिछले समय पूरे प्रदेश में ये चिट फंड कंपनी हर जिले में हर संभाग में एक कार्यशील रहे, और पिछले समय तो मुख्यमंत्री, उसके मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते थे, तो लोग विश्वास करते थे कि जब मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुआ है, उसके परिवार के लोग शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारा पैसा डूबेगा नहीं। इसलिए शासकीय कर्मचारी तक, वकील, ये सब लोग पैसा लगा दिए, लेकिन हुआ क्या, ये चिट फंड कंपनी वाले पैसा लेके भाग गए, और आज स्थिति ये है कि वो पैसे वापसी की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। सहारा इंडिया के बारे में भी बात हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, लोढ़ा कमेटी बनी और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में वो करीब 24,000 करोड़ का मामला है, जिसमें भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए वापसी करने का फैसला हुआ है, जिसमें 4 करोड़ जो निवेशक हैं उसका 10,000 रुपया दे रहे हैं, जबकि यही छत्तीसगढ़ में अभी चीट सहारा इंडिया के भी पैसा लाखों वापस हुआ है, और दूसरे जो कंपनी है उसकी राशि भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कुछ जगह तो ब्याज सहित वापस हुआ है, कुछ जगह चौथाई वापस हुआ है, कहीं आधा वापस किया जा रहा है, तो जैसे जैसे राशि मिल रहा है वैसे वापस हम लोग कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया राज्य सरकार ने, और इसमें फैसला यही किया गया कि चिटफंड कंपनियों के जितने भी निवेशक हैं उसकी जानकारी, उसकी संपत्ति की जानकारी, और जो निवेशक हैं उससे आवेदन भी लिया गया, और उस आधार पे जांच शुरू की गई, और बहुत मेहनत करके हमारे अधिकारियों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे कोई विवाद ना हो, और इसमें एक तो हितग्राहियों की चिन्हांकन करना, दूसरा कंपनी की संपत्ति और संपत्ति की जानकारी लेकर उसे पकड़ गिरफ्तार भी करना, 700 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और संपत्ति को न्यायालय के आदेश लेकर कुर करने की कार्यवाही, और वो जो राशि है उसको फिर वापसी के कार्यक्रम, तो ये ऐसा हमने बनाया। तो दूसरे राज्य के लोग अब पूछ रहे हैं हमसे कि कैसे हम आप लोग कैसे कर पा रहे हैं इस सब चीजों को, हम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चिट फंड कंपनी दूसरे राज्यों में भी सब निवेशकों का पैसा डकार गए हैं, तो लेकिन अभी तक के केवल छत्तीसगढ़ राज्य है पूरे देश भर में जो निवेशकों का पैसा वापस करने का काम किया है। तो मैं सभी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और अधिकारियों को भी, डीजी साहब भी बैठे हैं, एसीएस साहब भी बैठे हैं, और सब जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोग भी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि जितने भी संपत्ति है जो विधिक कार्रवाई है उसे पूरा करके जल्दी से जल्दी कुर्क करके जो निवेशक है उसका पैसा वापस हो, एक विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पे बना हुआ है, उसे हमको कायम रखते हुए आगे बढ़ना है, और सभी निवेशकों का पैसा हम सब मिलके वापस करें, ये यही हम लोगों के लक्ष्य होना चाहिए, और सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, माननीय गिरीश देवांगन जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, उपस्थित सभी अधिकारी।